दोस्तों ओम नमः शिवाय। दोस्तों रोजाना अपना राशिफल देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन की बेल को दबा करके सेलेक्ट ऑल कर लें। धनु राशि वालों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 4 फरवरी 2024 दिन रविवार के आपकी राशि के दैनिक राशिफल के बारे में कि आपकी राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, किन किन चीजों से आज आपको सावधान रहना होगा, किन किन चीजों से आज आपको फायदा होगा, आपकी आज लव लाइफ कैसी रहेगी, करियर कैसा रहेगा, बिजनेस और व्यापार कैसा रहेगा, और साथ ही साथ आज आपका भाग्यशाली अंक क्या रहेगा, भाग्यशाली रंग क्या रहेगा, आज आपके लिए कौन कौन से उपाय लाभकारी साबित होंगे, और साथ ही साथ आज आपके भाग्य का आपको कितना प्रतिशत साथ मिलेगा, और साथ ही साथ आज आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। इन सभी की महत्वपूर्ण और सटीक जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देने वाले हैं, इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं कैसा रहेगा आपकी राशि वालों के लिए आज का दिन। दोस्तों आज का ग्रह गोचर पूर्ण रूप से आपके पक्ष में है, आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत व सशक्त बनेगी। आलस छोड़कर पूरे मनोयोग से आज अपने लक्ष्य को पूरा करने में संलग्न रहें। युवा वर्ग अपने करियर के प्रति पूरी तरह आज एकाग्रचित रहेंगे और उनको सफलता भी अवश्य प्राप्त होगी। साथ ही साथ बता दें आज परिस्थिति कैसी भी हो आप सामान्य रहेंगे। आप अपने कर्म व पुरुषार्थ के माध्यम से अपनी उपलब्धियों को हासिल कर लेंगे। संतान के द्वारा विद्या अध्ययन से संबंधित कोई महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होगा तथा उच्च शिक्षा संस्थान में दाखिला भी मिल सकता है। और साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से आज आप दूरी बनाकर रखें, क्योंकि उनके द्वारा समाज में आपके खिलाफ कुछ नकारात्मक गलतफहमियां उत्पन्न करने की योजना बन सकती है। कभी कभी गुस्से में आप अपना आक्रामक रूप अपना लेते हैं, जिससे आप अपने लिए परेशानियां खड़ी करते हैं। अपने इस व्यवहार पर थोड़ा कंट्रोल करें। साथ ही साथ आपको बता दें कभी कभी नकारात्मक परिस्थितियों के उत्पन्न होने से विचलित और निराश आप हो सकते हैं। फिजूल खर्ची पर आज आपको नियंत्रण रखने की अति आवश्यकता है। रुपए पैसे के लेन देन के मामलों में किसी पर भी आप भरोसा आज ना करें। किसी रिश्तेदार से संबंधित अप्रिय समाचार प्राप्त होने से मन उदास रह सकता है। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें अगर कोई भवन निर्माण संबंधी काम रुका हुआ है तो उसका पूरा होने के भी आज योग हैं। साथ ही किसी प्रॉपर्टी को खरीदने संबंधी योजनाएं भी बनेंगी। आपका वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा उन्नत सोच आपके घर तथा व्यवसाय दोनों में सामंजस्य बनाकर रखेगी। साथ ही साथ आपको बता दें आज उधार दिया हुआ पैसा प्राप्त करने के लिए उचित अवसर है, इसलिए आप प्रयासरत रहें। बच्चों से संबंधित कोई समस्या हल होने से बहुत अधिक आपको आज राहत महसूस होगी। किसी नजदीकी रिश्तेदार से पुराने मतभेद दूर होकर संबंध पुनः सौहार्दपूर्ण बनेंगे। और साथ ही साथ आपको यह भी बता दें आज आप किसी के मामले में भी भूल कर भी हस्तक्षेप ना करें, जिसकी वजह से अकारण ही लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे। बिना पढ़े किसी भी कागज या दस्तावेज पर आप आज हस्ताक्षर ना करें। साथ ही साथ क्रोध व गुस्से पर अंकुश रखना आपके लिए अति आवश्यक है। साथ ही साथ किसी भी स्थितियों को मजबूत करने के लिए किसी अनुचित कार्य का सहारा आप ना लें, अन्यथा कोई परेशानी भी उत्पन्न हो सकती है। कोई व्यक्ति आपसे चिकनी चुपड़ी बातें करके आपकी कोई गुप्त बात निकलवा सकता है, इसलिए सावधान रहें। और साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि पिछले कुछ समय से यदि कोई स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां चल रही हैं, तो अप्रत्याशित सुधार आने से स्वयं को आप ऊर्जावान महसूस करेंगे और पूर्ण आत्मविश्वास व पराक्रम से अपने कार्य को पूरा करने में भी आज आप सक्षम रहेंगे। साथ ही घर में किसी धार्मिक आयोजन संबंधी योजनाएं भी बनेंगी। और आपको यह भी बता दें
कि नौकरी प्राप्ति के भी अवसर आज आपको प्राप्त हो सकते हैं। बेरोजगारों के लिए रोजगार प्राप्ति के भी आज अवसर रहेंगे। करियर संबंधी दिन आज के लिए आपका अच्छा साबित हो सकता है। साथ ही साथ आज आप कहीं इंटरव्यू देने जा सकते हैं जिसमें आपको कामयाबी प्राप्त होगी। और साथ ही साथ बात करें आज आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, तो दोस्तों आपको बता दें विपरीत परिस्थितियों में घर के सभी सदस्यों का आपके प्रति सहयोग आपको आत्मबल प्रदान करेगा। विवाहोत्तर संबंधों में अपना समय बर्बाद ना करें। साथ ही साथ परिवार में आज सुख शांति का वातावरण बना रहेगा। मित्रों के साथ पारिवारिक गेट टूगेदर प्रसन्नता वे नई ऊर्जा आपको प्रदान करेगी। पारिवारिक परिस्थितियां पूर्णतः आज पक्ष में रहेंगी। घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद वे सहयोग घर के वातावरण को सुखमय बनाकर रखेगा। पति पत्नी के बीच यदि कोई गलत फहमियां हैं तो वह आज दूर हो जाएंगी। किसी विपरीत लिंगी व्यक्ति से मुलाकात दिन को बहुत खुशनुमा व तरोताजा बनाएगी। लव लाइफ के नजरिए से आज का दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा दिन साबित होगा। और दोस्तों साथ ही साथ बात करें आज आपका व्यवसाय और करियर कैसा रहेगा, तो दोस्तों आपको बता दें व्यापार में आज कुछ परेशानियां महसूस हो सकती हैं। नए तथा अजनबी लोगों पर आप विश्वास ना करें तथा अपने निर्णय को ही प्राथमिकता दें। कोई नजदीकी यात्रा संपन्न हो सकती है जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगी। नौकरी पेशा व्यक्ति अपने ऑफिस में अपना उचित व्यवहार बनाकर रखें। और साथ ही साथ आपको बता दें आज आपको अपने बॉस व अधिकारियों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। आज आपके लिए प्रमोशन के योग हैं, वेतन वृद्धि हो सकती है। और साथ ही साथ यदि स्थान परिवर्तन संबंधी कोई योजना नौकरी से संबंधित बन रही है तो वह भी योजना आपकी सफल हो सकती है आज। और साथ ही साथ आपको यह बता दें कि व्यापार को पुनः उठाने के लिए आप भरसक प्रयास और परिश्रम करें। आंशिक रूप से आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी, परंतु कुछ विरोधाभासी प्रवृत्ति के लोगों से दूरी बनाकर आपको रखना आवश्यक है। नौकरी में लक्ष्य को पूरा करने के लिए बॉस व अधिकारियों का भी आपके ऊपर दबाव बना रहेगा। और साथ ही साथ आपको यह बता दें पार्टनर तथा कर्मचारियों की हर गतिविधि तथा क्रियाकलाप पर आज आपको नजर बनाकर रखना अति आवश्यक है। आज आपकी व्यापारिक सूचनाएं लीक भी हो सकती हैं, थोड़ा सावधान रहें। और साथ ही साथ बता दें किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह आज आपको हर मुश्किल परिस्थितियों से निकालने में मदद करेगी। यदि आप किसी विपरीत परिस्थिति में हैं, तो आप अनुभवी व्यक्तियों की सलाह अवश्य लें, घर के बड़े बुजुर्गों की सलाह अवश्य लें, आपको अवश्य ही उस परिस्थिति से निकलने में मदद मिलेगी। और आपको साथ ही साथ यह भी बता दें कि यदि किसी को आप पैसा देना चाहते हैं तो किसी को पैसा देने से पहले धन की वापसी की भी सुनिश्चित करना आपके लिए अति आवश्यक है, नहीं तो आपका यह पैसा फंस सकता है। पैसा कोई भी आप किसी को भी दें तो देने से पहले उसकी वापसी को सुनिश्चित करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। आप थोड़ा सावधान रहें पैसों के लेन देन के मामलों में, अन्यथा यह पैसा आपका फंस भी सकता है। और दोस्तों साथ ही साथ बात करें आज आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, तो दोस्तों आपको बता दें तनाव की वजह से आपको थकान व शारीरिक कमजोरी महसूस हो सकती है। कुछ समय मेडिटेशन में आप व्यतीत करें। साथ ही साथ कुछ समय से चल रही स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों से आज आपको राहत भी मिलेगी। रोग निवृत्ति के लिए प्राकृतिक तरीकों को अधिक से अधिक अपनाएं। इसके लिए आप रोजाना योग प्राणायाम का सहारा लें, आयुर्वेदिक चीजों का सहारा लें, आपको अवश्य ही लाभ मिलेगा और आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। और दोस्तों साथ ही साथ बात करें आज आपके लिए भाग्यशाली अंक क्या रहेगा, तो दोस्तों आपको बता दें आज आपके लिए भाग्यशाली अंक रहेगा 1 और भाग्यशाली रंग रहेगा फिरोजी। और दोस्तों साथ ही साथ बात करें आज आपके लिए कौन कौन से उपाय लाभकारी साबित होंगे, कौन कौन से उपाय करने से आपको लाभ मिलेगा, तो दोस्तों आपको बता दें आज आप एक नई झाड़ू आसपास के किसी भी मंदिर में दान कर दे, मतलब गुप्त तरीके से रखे हैं। किसी को कुछ बोले ना, किसी को रोके ना, कोई आपको कोई टोके ना, बस चुपचाप जाएं और नई झाड़ू को मंदिर में रखकर आ जाएं। दोस्तों यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो आपके जीवन से तत्काल गरीबी समाप्त हो जाएगी, आर्थिक स्थिति प्रबल होगी और साथ ही साथ नौकरी
और बिजनेस में आपको फायदा होगा, मतलब आपको इस उपाय को करने से लाभ ही लाभ मिलेगा, धन की प्राप्ति होगी। और साथ ही साथ आप क्या करें, आज आप अपनी श्रद्धा सामर्थ्य के अनुसार अन्न में आप चावल, दाल, गेहूं, मतलब खाने का कोई भी अन्न कुछ पैसों के साथ, मतलब उसके ऊपर कुछ पैसे रखकर किसी जरूरतमंद को दें, अपनी श्रद्धा सामर्थ्य अनुसार जितना आपसे बने। तो दोस्तों यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन से परेशानियां खत्म हो जाएंगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या है वह समस्या समाप्त हो जाएगी धीरे धीरे। और साथ ही साथ यदि आप रोजगार प्राप्ति के अवसर ढूंढ रहे हैं तो इस उपाय को करने से आपको रोजगार प्राप्ति के भी अवसर प्राप्त होंगे, आपको रोजगार मिलेगा जल्द से जल्द। बहुत ही अचूक उपाय हमने इस वीडियो में आपको बताए हैं, कोई भी उपाय कर ले आपको लाभ अवश्य ही मिलेगा। जय दोस्तों, साथ ही साथ बात करें आज आपको आपके भाग्य का कितना प्रतिशत साथ मिलेगा, तो दोस्तों आपको बता दें आज आपको आपके भाग्य का पूरे 97% साथ मिलेगा। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।